नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों, तो क्या तैयार है आप एक और मजेदार और स्वादिष्ट खाने के सफर के लिए। दोस्तों जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ ना और दिल्ली जाकर वापस आता हूँ, तो एक सवाल मुझसे हर कोई पूछता है कि क्या मैंने कनॉट प्लेस जाकर काकेदा होटल में खाना खाया कि नहीं खाया। और अगर मैं कह दूं कि मैंने नहीं खाया तो फिर कहते हैं यार तू दिल्ली गया ही क्यों अगर तूने काके पे नहीं खाना खाया। तो दोस्तों इतना फेमस है काकेदा होटल और इतना अच्छा वहाँ का खाना, और अभी हम खुशकिस्मत हैं कि मुंबई में भी खुल गया है काकेदा होटल। और आज मैं आया हूँ मुंबई में दिल्ली का स्वाद लेने के लिए, तो चलते हैं अंदर। और मैं तो वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, आइए जल्दी जल्दी जल्दी। आहा, दोस्तों सबसे पहली चीज़ यहाँ आकर यहाँ का मॉडर्न डेकोर दिल्ली से बिल्कुल ही अलग, क्योंकि दिल्ली में अगर आप गए हैं और आपने काकेदा होटल विजिट किया है ना, तो वहाँ आपको पता होगा लकड़े के बेंचेस पड़े होते हैं, है ना, छोटी छोटी जगह है वहाँ पर, और खाना आता रहता है गर्मा गर्म निकल निकल के, मतलब लाइन लगती है बाहर लाइन। बट यहाँ पर अभी फिलहाल लाइन नहीं है क्योंकि यह है मुंबई और यह है एक एयर कंडीशन्ड एटमोसफेयर में खुला हुआ अशोक काका के द्वारा काकेदा होटल। तो अशोक काका पहले तो नमस्ते, की हाल चाल। अब आए हैं दिल्ली से खास हमसे मिलने के लिए और आप सबको मुंबई में खुले हुए इनके आउटलेट्स के बारे में बताने के लिए। तो अशोक काका जी सबसे पहले बताइए मुंबई में कितने आउटलेट हैं आपके? देखिए मेरे पैन इंडिया हैं। ओके पैन इंडिया भी है, साढ़े 45 के करीब है। ओके 45 प्लस। ओके उसे विच तीन साढ़े इतने है। अच्छा मुंबई। हाँ मुंबई में कहाँ कहाँ, फॉर दी ऑडियंस उनको पता चले, यहाँ का तो मुझे पता है वर्सोवा, मलाड, चेंबू। ओहो तीन कोनों में पहुंच गए हो आप। हाँ जी, है ना, धीरे धीरे अभी और बना। हाँ कर देना, कर देना, कर देना, क्योंकि लोगों को इतना सुना है लोगों ने काकेदा होटल के बारे में और वहाँ के खाने के बारे में कि लोग चाहते हैं कि बस हमारे घर के पास ही आ जाए। अब इस खाने में क्या स्पेशल है सबसे पहले तो आप ये बताइए, 1931 एंड टुडे इट इज 2024। हाँ जी हाँ जी, है कि नहीं? हाँ जी हाँ, तो एक कैलकुलेशन कर लो करीबन 100 साल के करीब। हाँ जी, टेस्ट आज तक वही? देखिए मैंने 69 में ज्वाइन किया काकेदा होटल कनॉट प्लेस एंड टिल 2010। ओके एट ए स्ट्रेच इतने साल मैं लगातार रहा वहाँ। इट वाज अ हरकुलियन टास्क। अच्छा हाँ, हरकुलियन टास्क टू मेंटेन द क्वालिटी एंड द सेम टेस्ट एंड जो हमारा पुरानी रेसिपी चल रही है उसको संभालना आसान नहीं। वो तो बिल्कुल सही बात है। वो हमने सब जगह जितने भी फ्रेंचाइजी हैं इंक्लूडिंग बॉम्बे सभी को, हमने मुंबई में भी सभी को हमने वो अपने स्किल्ड लेबर भी देते हैं, शेफ्स भी देते हैं। ओके उनको जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो इनको देखने आया हूँ और कोई गाइडेंस चाहिए इनको वो देने आया हूँ। तो आप खुद पर्सनली भी ओवरलुक करते हैं रेसिपीज को और किस तरह खाना बन रहा है और दे रहे हैं? डेफिनेटली, ये बहुत अच्छी बात है। अब अशोक जी जैसे दाल है, दाल मखनी है, हमारी दाल चूल्हे की दाल है। ओके हमारी प्रेशर कुकर की दाल नहीं है। अच्छा अच्छा, दाल मखनी हमारी चूल्हे की दाल है, जैसे पुराने टाइम पे चूल्हे पे बना के फिर उसको लकड़ी के उससे डंडे से घोटाई होती थी, वही दाल है। एक दुख की बात है कि अशोक काका जी को आज थोड़ा जल्दी जाना है, इनकी मीटिंग भी है और इनकी फ्लाइट है दिल्ली के लिए, तो ये हमसे मांग रहे हैं जल्दी छुट्टी। मेरा मन तो नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता था कि ये मेरे साथ बैठकर खाना खाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको जाना है, लेकिन जाते जाते ये अपना स्वाद हमारे पास छोड़कर जा रहे हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। ओके काका जी थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया मिलन दा। अरे दिल्ली आवांगे तो तुम्हें जरूर मिलांगे प्लीज। ओके मैं तुम्हें कार्ड दे देना, मैंने फोन करना। बिल्कुल थैंक यू जी, नमस्ते, थैंक यू। तो दोस्तों ये कहानियां ना मुझे हमेशा अमेजिंग लगती हैं, एक छोटी सी शुरुआत करके ऐसा एम्पायर खड़ा करना, मतलब फुल ऑफ हार्डवर्क, फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, फुल ऑफ फोकस, मतलब इनकी कहानी इतनी मज़ेदार है कि एक सड़क के किनारे फुटपाथ पर छोटी सी रेड़ी लगाने वाले और आज उनकी फैमिली इस चेन को कहाँ से कहाँ ले आई है। बड़ा इंटरेस्टिंग मेन्यू कार्ड है, लाहौर में शुरुआत हुई 1931 में, फिर दिल्ली आए 1948 में और अब पूरे हिंदुस्तान में फैल रहे हैं। तो मेन्यू कार्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो दिल्ली में चीज़ें मिलती हैं वो तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा इन्होंने बहुत कुछ ऐड किया है अपने मेन्यू कार्ड में टू केटर टू डिफरेंट पीपल जिनकी चॉइसेस अलग अलग होती हैं, यानी कि फैमिली आए जिसको जो कुछ खाना है वो सब यहाँ पर मिल जाएगा। वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है एंड प्योर ऑथेंटिक पंजाबी डिशेस। वाओ ओके, थालियाँ भी शुरू कर ली हैं इन्होंने, वाह दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, ताकि चूज़ करने में मेनू से कोई टेंशन ही नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग मेनू कार्ड एंड आई होप खाना भी उतना ही इंटरेस्टिंग हो। तो दोस्तों पूरे का पूरा दिल्ली, पूरे का पूरा कनॉट प्लेस आ गया मेरे सामने और क्या क्या डिशेस हमने आज मंगाई है मैं आपको बता दूँ। यह है इनका फेमस तंदूरी चिकन, यह है इनका पनीर टिक्का,
साथ में इन्होंने दिया है मेन कोर्स के लिए साग मीट, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर डिश है काकेदा होटल की। चिकन करी, अगेन अ वेरी पॉपुलर डिश, बटर चिकन एंड साथ में दही वाला मीट। और इसे कैसे भूल सकते हैं, ये प्यारी सी बाल्टी में पड़ी हुई है दाल मक्खनी, बटर नॉन की बड़ी सी, और साथ में ये तंदूरी रोटी। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टर फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ इनका मोस्ट फेमस डिश तंदूरी चिकन, साथ में इन्होंने दिया है लच्छे वाला प्याज, और ये इनकी फेमस चटनी। चटनी का भी कमाल का अलग सा टेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें डाल ली, अब देर किस बात की, ये लगेगी चटनी इसके साथ। और ये द बेस्ट पार्ट दैट आई लाइक अबाउट दिस तंदूरी चिकन इज, मुंबई में बहुत जगह तंदूरी चिकन मिलता है, लेकिन इसमें अलग बात यह है कि इसमें चारकोल का फ्लेवर भरपूर आ रहा है, कोयले की भट्टी में बना हुआ है चिकन, एंड मसाले बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। जो कई जगह पर ऐसा होता है ना, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये ऐसे उंगली लगाओ ना तो ऐसे मसाले हाथ में आते हैं, लेकिन इधर कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा, मतलब अदरक लहसुन की पेस्ट वगैरह इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेल मैरिनेटेड, मैरिनेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बन के ऐसा खस्ता निकला है बाहर, वाह। तो फिर तंदूरी चिकन का तो मज़ा ले लिया, अब ये हमारा भाई पनीर टिक्का, इसके भी वही हाल है जो तंदूरी चिकन के थे, क्योंकि इस पर भी मुझे मसाला बिल्कुल ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, और प्रॉपर कैप्सिकम आनियंस वगैरह डाले हुए हैं इसके अंदर, आपको दिख रहे होंगे, एक ये प्याज पड़ा है, ये कैप्सिकम है, तो ये कैप्सिकम को भी इसके ऊपर डाला जाए ऐसे, प्याज को भी डाला जाए ऐसे, और एक लच्छा प्याज ऐसे, और चटनी ऐसे, ये हुआ है ना पनीर टिक्का का बाइट सही वाला। इतना सॉफ्ट पनीर मुंह में ढालते ही घुल गया, मसाले वही हैं जो तंदूरी चिकन पे लगे हुए थे, सेम मैरिनेशन, बट अगेन द क्वालिटी पनीर की ज़बरदस्त, मसाले का जो कंटेंट है एकदम एग्जैक्ट, एंड जस्ट अ लवली थिंग। अगर ये पनीर टिक्का और दाल मखनी भी आप मंगाए ना खाने में, मज़ा आ जाएगा करारी तंदूरी रोटी के साथ, जो वेजिटेरियन है उनके लिए, बाकी तो और भी बहुत कुछ है। यही सब चीज़ें खाते जा रहा हूँ, रोका नहीं जा रहा अपने आप को, लेकिन यही खा लूँगा, तो ये मेन कोर्स मेरे सामने पड़ा हुआ है इतना सारा, वो कौन खाएगा। तो शुरू करते हैं मेन कोर्स के आइटम धीरे धीरे प्यार से। जो सबसे मेरे पास है वह है ये दही मीट, बढ़िया सा चॉप का पीस है वो, देखिए फर्स्ट क्लास। और साथ में लेते हैं थोड़ी सी इसकी ग्रेवी, और डालते हैं एक इस पीस के ऊपर। धुआं निकल रहा है अभी तक, जबकि खाना आके हो गए 10-15 मिनट, बट इट्स स्टिल गुड। अब ये खस्ता करारी तंदूरी रोटी, हाँ ये आई ना आवाज़, पता लगता है खस्ता है। अब बटन लगाते हैं, ये देखिए, दिस इज़ सो वेल कुक्ड, सो नाइस एंड पिंक एंड टेंडर, तोड़ते ही पता चल गया। अब जो मेन चीज़ है ना इनकी ग्रेवी, जो स्टैंड आउट करती है बाकी जगहों की ग्रेवी से, मटन की क्वालिटी इतनी अच्छी है, एंड ये दही वाली ग्रेवी है ना, इट इज़ सो सॉफ्ट, एंड मतलब पता लगता है कि स्लो फायर कुकिंग हुई है इसकी, आराम से पकाया गया है धीरे धीरे, नो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल, ये लोग ज़्यादा करके अपनी हर चीज़ें स्लो फायर पे बनाते हैं, तभी उनका टेस्ट इतना अच्छा निकल के आता है, कि मसालों को मतलब मीट को सबको मतलब बनने का ना प्रॉपर टाइम मिलता है, तभी इनका टेस्ट इतना लाजवाब आता है। बार बार मुझे दिल्ली की याद आ रही है, सच कह रहा हूँ, वाह। बट एक रीज़न कम हो गया अब दिल्ली जाने का, मतलब अब ये खाना इधर ही मिल रहा है, मज़ा आ गया, वाह। हाँ, दोस्तों दही मटन का मज़ेदार टेस्ट ले लिया, वापस आऊँगा पूरा खाने के लिए, लेकिन अब मेरी फेवरेट डिश जो कि काके में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है ये साग मीट। लुक एट द साइज ऑफ द पीस ऑफ द मटन,
क्या मस्त चॉप दिया इन्होंने साथ में, आहा मज़ा आ गया। ये जो नॉन वेज के शौकीन है ना और जिनको दिल्ली का खाना पसंद है, नॉर्थ इंडियन खाना स्पेशली, दे मस्ट विजिट दिस प्लेस। मतलब यहाँ नहीं आए तो फिर यार क्या खाया आपने दिल्ली का खाना। आहा, सी दिस अगेन द सेम थिंग, नाइस टेंडर एंड द बेस्ट पार्ट इनका ये साग है। ओह, इसमें हल्का सा टेस्ट का फर्क है फ्रॉम दिल्ली, उसका रीज़न मुझे पता है, क्योंकि साग पालक जो भी इसमें डाला गया है हर जगह जगह में पानी की वजह से उसका टेस्ट होता है अलग, बट नो कॉम्प्रोमाइज अदरवाइज इट इज़ डिलीशियस। खाली अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा तो वो तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जगह के मसाले हर जगह का पानी इतना अलग होता है कि जो फाइनल डिश है उसमें फ़र्क आ ही जाता है। आई थिंक आप सब अग्री करेंगे मुझसे, बट स्वाद कमाल का है और क्या चाहिए। लव दिस मटन पीसेस यार, उनकी जो क्वालिटी है ना दोस्तों, सबका फेवरेट बटर चिकन, पर ऐसा वैसा बटर चिकन नहीं, काके का बटर चिकन। आ हा 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 हा, वेलवटी मखमली, आई एम जस्ट वेटिंग कि ये मेरे मुंह में कब जाएगा। मैं अपनी प्लेट जानबूझकर चेंज नहीं करवा रहा हूँ, ये लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि सर प्लेट चेंज कर दें, लेकिन नहीं, ये हर स्वाद एक साथ मिलकर ना और भी स्वाद हो जाता है, ये सच्ची फैक्ट की बात है। अब आहा, अच्छा सा प्यारा सा लेग पीस एंजॉय किया जाए। ये देखिए अगेन वेल कुक चिकन, पता ही लग जाता है तोड़ते ही कितना फ्रेश है, साथ में ये मक्खनी ग्रेवी। हर चीज मुंबई में ही खा रहा हूं, लेकिन मुंबई के बाकी रेस्टोरेंट से एक अलग फ्लेवर, एक अलग कुछ है इनमें कि डिशेस का नाम तो वही है, दही वाला मीट, साग मीट, बटर चिकन, करी, बट द टेस्ट इज वेरी टिपिकल नॉर्थ इंडियन एंड वेरी टिपिकली लिकेबल। सुपर, बच्चों को ये डिश इतनी पसंद आएगी यहाँ की बटर चिकन, क्योंकि इतनी माइल्डली फ्लेवर्ड है, बहुत हल्की सी स्वीटनेस है, ज़्यादा मीठा नहीं है जैसा कई जगहों पर अक्सर मिल जाता है तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और बस 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 होगी तारीफ, थोड़ा खाया भी जाए। जियो जी जियो। आहा, इसे कहते हैं ना दाल मक्खनी। ओए होए होए होए, ये देखो बढ़िया दाल चूल्हे पर बनी हुई, रात भर पकती है ये दाल, और अब इसे खाया जाएगा नान दे नाल। ओहो हो, अब देखिए ये भी एक ऑल टाइम फेवरेट पंजाबी या नॉर्थ इंडियन आइटम है, नान भी बढ़िया बढ़िया और बड़ी। आहा, अब इसे तोड़ते हैं और खाते हैं इस दाल मक्खनी के साथ। चिकन मक्खनी के बाद दाल मक्खनी, ऑल टाइम फेवरेट कॉम्बिनेशन, किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ नॉर्थ इंडियन खाने के शौकीन है तो ये डिश ज़रूर ऑर्डर होती है। करते हैं कि नहीं आप बताइए, कमेंट्स में बताइएगा। जब भी किसी नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपका फेवरेट कॉम्बिनेशन क्या है, मेरा है बटर चिकन एंड काली दाल। चीयर्स। इसमें कमाल का घर जैसा फ्लेवर है, बहुत ही ऑथेंटिक काली दाल बनाई है इन्होंने, रियली वेरी नाइस। एंड मतलब उंगलियों के साथ खाने का जो मजा आएगा ना इसे, वो तो खाकर ही पता चलेगा ना। कोई ओवर पावरिंग मसाले नहीं है, कोई ज़्यादा मुझे मतलब इसके अंदर सिर्फ दाल का ही स्वाद आ रहा है, और जो चीज़ें पड़ती हैं जैसे मक्खन मलाई वो तो पड़ा हुआ है, इसलिए दाल होगी एकदम डेलिकेट स्मूथ एंड डिलीशियस। अगेन अ मस्ट ऑर्डर आइटम अगर आप कभी काकेदा होटल आते हैं तो, मुंबई में तो तीन तीन हो गए हैं अब। हाँ हाँ हाँ, अब नाम बड़ा सिंपल चिकन करी, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें कुछ
होगा जो मुझे सरप्राइज करेगा। चिकन करी में क्या लेग पीस दिया, फुल लेग पीस दिया इन्होंने चिकन करी के अंदर, और करी तो दी होगी ना वो तो है ही, ब्राउन कलर की है, अलग ही मसाला है इसका, सब ग्रेवी का कलर कितना अलग है और कितना अलग टेस्ट है। दही मीट थोड़ा रेडिश था, साग मीट थोड़ा ग्रीन भी चला गया, वो तो जाना ही था, और बटर चिकन जो है ऑरेंज और ये थोड़ी ब्राउनिश साइड पे है। दैट मीन्स हर चीज़ अलग ग्रेवीज में बनी हुई है और अलग प्रेपरेशन हुआ है, सेम चीज़ नहीं है कि इसमें भी ये डाल दो इसमें भी ये डाल दो। अगेन वेरी गुड जी, मेरे चिकन मस्त, और ग्रेवी इन बर्तनों में ही रखने की वजह से जिसमें लाए हैं लोग सर्विस की है, खाना अभी तक गर्म है। आजा इसके बारे में क्या बताऊँ, यही बता सकता हूँ कि रेस्टोरेंट वाली फील नहीं है, घर वाली फील है, एकदम सिंपली कुक माइल्ड टेंडर चिकन फ्रेश एंड जस्ट बोलते ना कंफर्ट, कंफर्ट लेवल बहुत हाई है, मतलब खाने के बाद आपको ऐसे नहीं लगे अरे ये था इसमें, अरे ये ज़्यादा था, बिल्कुल नहीं, मज़ा आ गया। होम स्टाइल चिकन करी इन अ रेस्टोरेंट, तो दोस्तों ये खाना तो हमारा चलता ही रहेगा, और जो हमारे दो मित्र खड़े हैं कैमरा के पीछे वो भी अपने चांस की वेट कर रहे हैं कि कब ये शूट ख़त्म हो और हम बैठ के खाएं सर के साथ, तो हम ये खाना ख़त्म करेंगे। तो हाईली रिकमेंडेड है, मुंबई में तो है 3 जगह पे, आपको पता चल गया, सारे लिंक और एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पढ़ लीजिएगा, जो भी आउटलेट आपके घर के पास है जाके ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वहाँ का खाना कैसा लगा। तो चलिए ऑन दिस पंजाबी नोट आज का व्लॉग असी इतने ही खत्म करने हैं, अगली बारी फिर मिलांगे, तब तक क्या करना है, खाइए पीजिए ऐश कीजिए, धन्यवाद, लेट्स ईट। आ जाओ भाई आ जाओ खाने आ जाओ, भूखो कब से मुझे देख रहे हो, खाते हुए नजर लगा दोगे, आ जाओ।